हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ गौतम सर, और मैं आपको पढ़ा रहा हूं यूपी बोर्ड की रेनबो की किताब है एर्थ क्लास की। तो चलिए इसके चैप्टर की ओर चलते हैं बिना देरी किए हुए। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर है 10। मैं पिछले सारे चैप्टर्स पढ़ा चुका हूं, क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं। ये 10 चैप्टर की ओर चलते हैं आज। तो इसमें एक हीरो की कहानी है, इसका मैं पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये इसके वर्ड मीनिंग है, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर ही लिया होगा जो मैंने पहले बताया था उसी हिसाब से। और आज चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की। तो स्टूडेंट्स, आज चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट न्यूज़ डिड स्वामीज फादर रीड इन द न्यूज़पेपर, कि स्वामी के पिता ने क्या न्यूज़ पढ़ी थी न्यूज़पेपर में, क्या खबर पढ़ी थी अखबार में। ठीक है स्टूडेंट, इसके क्वेश्चंस के आंसर मैंने अपने आप आपके लिए बहुत सरल भाषा में लिखे हैं। तो मेरी वीडियो को कहीं भी जाइएगा मत बिना पूरा देखे हुए, लास्ट मोमेंट तक देखना, और मैं आपको स्पेशल चीज़ भी बताऊंगा, तो प्लीज़ जाना मत। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखो, स्वामीज फादर, स्वामी के पिता, रीड अबाउट द ब्रेवरी ऑफ ए विलेज बॉय, पढ़ते हैं एक बहादुरी एक बालक के बारे में, हु केम फेस, जिसने आमना सामना किया है, विद ए टाइगर, एक टाइगर के साथ उन्होंने, उस बालक ने आमना सामना किया है। वो खबर अखबार में पढ़ रहे थे। वाइल्ड रिटर्निंग होम, घर के लौटने पर, बाई द जंगल पथ, जंगल पथ के रास्ते से लौटते समय, टाइगर के साथ एक बालक ने, यहाँ पे कॉमा है स्टूडेंट, बालक ने टाइगर का सामना किया है। तो स्टूडेंट्स, इसका दूसरा आंसर देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका, व्हाट डज स्वामीज फादर क्विट रिगार्डिंग स्ट्रेंथ एंड करेज, तो स्वामी के जो पिता हैं क्या कहते हैं उसके रिगार्डिंग, उसकी शक्ति और करेज के बारे में क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस आंसर मैंने बड़ी मेहनत के साथ लिखे हैं, इसलिए आप कहीं जाइएगा मत प्लीज़। मैं आपको बार बार वही कहता हूँ कि कई सारे बालक एक दो मिनट वीडियो देखा और वो छोड़ देते हैं, तो ऐसे कोई नॉलेज नहीं मिलेगी, चाहे किस इतना भी अच्छे से अच्छा वीडियो हो। एक दिन विद्यालय जाके आप पूरी साल का कोर्स नहीं कर सकते हैं, उसी तरह से आप एक मिनट वीडियो देखने के बाद कुछ नहीं कर सकते हैं। इसका अगला आंसर देखें, दिख रहा है ना, हाँ, सेकंड का आंसर देखें, ही सेड, उसने कहा, दैट ए मैन कुड हैव द स्ट्रेंथ, एक आदमी कुड हैव, रख सकता था, स्ट्रेंथ, शक्ति, एन एलिफेंट, एक एलिफेंट जैसी शक्ति रख सकता है, एंड येट बी ए कवर्ड, और वो कायर भी हो सकता है, वेयर एज एनदर वन कुड हैव स्ट्रेंथ, और एक दूसरा आदमी जिसके पास शक्ति है, ऑफ ए स्ट्रॉइक तिनके जैसा है, बट हैज करेज, लेकिन उसके पास साहस है, कैन डू एनीथिंग, वो कुछ भी कर सकता है। तीसरा क्वेश्चन दीजिएगा स्टूडेंट, मैं एक एक शब्द पढ़ाता हूँ, इसलिए थोड़ा सा मेरा वीडियो 2-4 मिनट बड़ा हो सकता है, 2-4 मिनट की कोई बड़ी बात नहीं, आप लोग जाइएगा मत कहीं भी। वाई डिड स्वामीज फादर आस्क हिम टू स्लीप इन हिज ऑफिस रूम, क्यों स्वामी के पिता कहते हैं उसको उस कमरे में, ऑफिस वाले में, ऑफिस रूम में जाके सोने के लिए। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, स्वामी के पिता वांटेड, स्वामी के पिता चाहते थे स्वामी को दिखाना, क्या दिखाना, हिज करेज, उसका साहस, एंड नॉट बी एफ्रेड, डरे ना, ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस से डरे ना और अपना साहस दिखाए, सो ही आस्क्ड स्वामी, इसलिए उन्होंने कहा स्वामी को टू स्लीप इन हिज ऑफिस, अपने ऑफिस में सोने के लिए, शायद इनका ऑफिस घर में ही बना होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, वाट वाज स्वामीज कंडीशन, स्वामी की क्या कंडीशन थी, वैन ही ले एमिडस्ट द फर्नीचर, जब वो फर्नीचर के बीच में, एमिडस्ट एक प्रीपोजिशन है, इसका मैंने बनाया हुआ है वीडियो, आप अलग से उसको देख सकते हैं, जब वो फर्नीचर के बीच में सोया तो उसकी स्थिति क्या थी। तो इसके लिए देखिएगा, स्वामीज हर्ट
स्टार्टेड बीटिंग फास्टर। स्वामी का हृदय, स्वामी उस लड़के का नाम है जो छोटा ही है, नाम स्वामी है लेकिन बालक छोटा है। स्वामी इज हर्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्टर। स्वामी के हर्ट ने, हृदय ने स्टार्ट कर दिया तेज़ तेज़ चलना। जैसे दिल तेज़ धड़कता है ना, उस तरह से, जैसे आप लोग कभी भागते दौड़ते हैं तो ग्राउंड में आप कभी दिल के ऊपर, सीने के ऊपर हाथ रख के देखिए, आपका दिल तेज़ी से धड़कता है। तो ही शट हिज आईज, उसने अपनी आँखों को बंद किया है टाइट, कड़े कड़ाई से, एंड कवर्ड हिमसेल्फ, और अपने आप को कवर कर लिया विद ब्लैंकेट, ब्लैंकेट के साथ। ही स्वीटेड हिज विद फाइट, और वो स्वीटेड विद फाइट, और वो डर के मारे उसको पसीना पसीना हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, व्हाट वाज द इंसिडेंट, क्या इंसिडेंट होता है विच शोड स्वामीज ब्रेवरी, जहाँ स्वामी की ब्रेवरी दिखाई देती है, साहस दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको ये वर्ड पावर और आगे वाली सारी एक्सरसाइज कराऊंगा। पूरा वीडियो देखने से पहले जाइएगा मत कहीं, अगर आपको पूरा देखना है तो, वैसे आपकी मर्जी है। दिख रहा है ना? ठीक। वेन स्वामी वाज एलोन, जब स्वामी अकेला था इन द डार्क ऑफिस, उस डार्क ऑफिस रूम में, ही सेंस्ड समथिंग मूविंग, कुछ उसने एहसास किया कि कुछ चीज़ घूम रही है आसपास। ऐसा सोचते हुए, इट वाज ए गोस्ट, कोई भूत हो सकता है, ही हग्ड इट, उसने उसको पकड़ा, इट वाज ऑल हिज माइट, माइट ये उसका सोचना ठीक था, एंड बाइट ऑन इट्स एंकल, और उसके पैर के टखने पर उसने काट दिया उसको पकड़ के। इट वाज ए नटोरियस थीफ, ये एक बड़ा नटोरियस, वैसे कुख्यात, एक होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात। विख्यात का मतलब होते हैं प्रसिद्धि, अच्छी, और ये कुख्यात का मतलब कुप्रसिद्धि। ठीक। थीफ था, चोर था, हु वाज इंजर्ड, जो घायल हो गया, एंड देन वाज कॉट बाई पुलिस, और उसको पुलिस के द्वारा पकड़वा दिया गया। दिस इंसिडेंट प्रूव्ड स्वामीज ब्रेवरी, दिस यह इस घटना ने प्रूव कर दिया स्वामी की ब्रेवरी को, स्वामी एक छोटा लड़का है, उसकी बहादुरी को प्रूव कर दिया है। वर्ड पावर पर चलते हैं, टिक द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में से सही लेके उसको आपको टिक करना है। ऑब्जेक्ट्स लाइक टेबल चेयर बेड यूज्ड इन होम, जो घर में जो बेड टेबल चेयर जो यूज होती हैं वो क्या होते हैं, फर्नीचर होते हैं या क्रॉकरी होते हैं, तो आपको पता है ना फर्नीचर होते हैं, तो पहले वाले पे आप यहाँ टिक कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको आप यहाँ से टिक करेंगे, और ये क्रॉकरी होता है, ये जो चाय पीने वाले कप होते हैं और ये इनके प्याले होते हैं, उस तरह के जो सामान होते हैं उनको क्रॉकरी बोलते हैं। अगला है, ए वूलन सीट यूज टू कीप अस वार्म, एक वूलन सीट होती है, गर्म सीट होती है, ऊन की सीट होती है, जो हमको गर्म करने के लिए यूज़ की जाती है, उसको क्या बोलते हैं, बेड सीट और ब्लैंकेट। बेड सीट बोलेंगे या ब्लैंकेट? वेरी गुड, ब्लैंकेट बोला जाएगा उसको। बेड सीट वो होती है जो बेड के ऊपर चद्दर बिछाई जाती है। ए सेट ऑफ रूम्स, एक कमरों का वो सेट, और बिल्डिंग वेयर पीपल वर्क, जहाँ पर लोग काम करते हैं, वो ऑफिस होता है या प्ले ग्राउंड। तो रूम का सेट होना प्ले ग्राउंड तो नहीं हो सकता, प्ले ग्राउंड वो होता है जहाँ पे आप लोग खेलते हैं, ये ऑफिस हो जाएगा, तो ऑफिस पर टिक करेंगे आप। ए पर्सन हु एंटर्स ए बिल्डिंग, एक आदमी एंटर करता है उस बिल्डिंग में इलीजली इन ऑर्डर टू स्टील, एलिजी का मतलब बिना देखे हुए चोरी करने के लिए, तो उसको क्या कहेंगे, जोकर कहेंगे, हंसाने वाला, या बर्गलर कहेंगे उसको, चोरी करने वाला, तो इसका ये हो जाएगा। और आगे देखेंगे स्टूडेंट्स आप लोग, ये लैंग्वेज प्रैक्टिस भी पूरी करा देता हूँ मैं आपकी, थोड़ा सा मैं आपके लिए बड़ा कर दूँ। तो आइए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं इसमें, और आगे आता है लैंग्वेज प्रैक्टिस का, 2 मिनट और लगेंगी, बस इसको भी देख लीजिए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज एंड अंडरस्टैंड, इनको पढ़ना है और इनको समझना है, तो क्या पढ़ना है और क्या समझना है जरा सा इनको देखते हैं। वी यूज फ्रॉम, हम यूज करते हैं फ्रॉम शब्द को टू इंडिकेट द बिगनिंग एंड टू इंडिकेट द एंड ऑफ एन एक्शन, ये किसी काम की शुरुआत करने के लिए या किसी काम का अंत करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे बच्चे क्लास से भाग रहे हैं, तो भागना कहाँ से शुरू हुआ, कक्षा से, और कहाँ को जा रहे हैं, घर को, टू होम। वी यूज टिल
टू इंडिकेट द एंड ऑफ एन एक्शन, किसी एक्शन का एंड करने के लिए, ठीक, तो टिल का यूज करेंगे। एट हैज मैनी यूज, एट के भी बहुत सारे यूज हैं। वन ऑफ इट्स कॉमन यूज इज टू इंडिकेट टाइम, टाइम को भी यूज कर सकते हैं, जैसे आई विल टीच यू एट 2 PM, मैं आपको दोपहर के 2 बजे पढ़ाऊंगा, तो ये भी आप कर सकते हैं। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग फ्रॉम टू टिल और एट, इनके साथ भरना है। द क्राउड चीयर्ड टिल द एंड ऑफ द गेम, तो यहाँ टिल लगाएंगे आप, ये टिल यहाँ पे आ जाएगा। द ट्रेन इज एक्सपेक्टेड, तो जब टाइम के लिए आता है तो क्या आना है, एट, तो एट को हम यहाँ 12 PM पे लगा देंगे। चिल्ड्रन प्लेड क्रिकेट, ये 4 बजे और 6 बजे दो टाइम दिए हैं, तो 4 बजे से और 4 बजे तक, तो जो टाइम की शुरुआत हुई है वो फ्रॉम के साथ हो जाएगी यहाँ पे, ये फ्रॉम के साथ और यहाँ पर टू तक। तो ये स्टूडेंट्स आपने पूरा देखा। और दूसरी चीज़, इस चैप्टर के जो मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसका एक आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, और अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको लिखने में आसानी रहेगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े रहिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हर संभव पूरी मदद करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।